हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी पर। इस वीडियो में हम जो स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2015 में हुआ था उसमें जो बायोलॉजी का पेपर था, मतलब बायोलॉजी के जो भी स्कूल जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2015 में, उन सभी बायोलॉजी के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जूलॉजिकल गार्डन क्या होते हैं। तो जूलॉजिकल गार्डन होते हैं वो किस प्रकार का कंजर्वेशन है, एक्सीटू कंजर्वेशन होता है। एक्सीटू कंजर्वेशन मतलब होता है कि प्राणी को उसके नेचुरल हैबिटेट से दूसरी जगह पर ले जा करके क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो जूलॉजिकल गार्डन एक प्रकार का क्या है, एक्सीटू कंजर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिटेकर ने प्रोकैरियोट को किस में रखा था। व्हिटेकर ने प्रोकैरियोट को कौन से ग्रुप में रखा था, मोनेरा ग्रुप में रखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बोटनिकल गार्डन है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बोटनिकल गार्डन कहाँ पर है, शिवपुर में है। कहाँ पर है, शिवपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गल क्लास जिसके सदस्यों की शैवाल में म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है। म्यूरामिक एसिड या पेप्टिडोग्लाइकेन से शैवाल किसकी बनती है, वो बनती है प्रोकैरियोट की। तो ऐसी कौन सी एल्गी है जो कि प्रोकैरियोट है, वो है साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ऐसी एल्गी जिसकी शैवाल में म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट है, इसका आंसर होगा साइनोफाइसी एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किसकी होती है, हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है जो थैलोफाइट होते हैं, मतलब एल्गी वगैरह, उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, हेप्लोन्टिक। और जो ऑप्शन थे उसमें से एक ही जो थैलोफाइट दिया हुआ था, स्पाइरोगायरा क्या है, एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड अगुणित होता है एन। और जबकि अपन से पूछ लिया जाएगी एनजियोस्पर्म का भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म होता है, तो एनजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है 3N, जबकि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है N। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई किंगडम की चारित्रिक विशेषताएं हैं, मतलब फंजाई किंगडम की विशेषता क्या है। फंजाई क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनमें क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब एब्जॉर्प्टिव मोड से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है। तो ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, ऊगैमस प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइटिक, कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक यानी बीजाणुद्भिद। जबकि आप उनको पूछ लिया जाए ब्रायोफाइट में मैन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइटिक, कौन सी होती है, गैमेटोफिटिक। और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन तीनों में मैन प्लांट बॉडी क्या होती है, वो होती है स्पोरोफिटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्लाज्मा का पीएच कितना होता है। ब्लड प्लाज्मा का जो पीएच होता है ना, वो क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, मतलब अल्प क्षारीय होता है। ब्लड प्लाज्मा का पीएच क्या होता है, अल्प, थोड़ा सा क्षारीय प्रकार का होता है, मतलब ब्लड किस प्रकार का होता है, थोड़ा सा क्षारीय प्रकार का। नेक्स्ट है कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, स्तरित घनाकार ऊतक भी होते हैं, संक्रमण ऊतक भी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, स्तरित सल्की ऊतक होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है बोन होती है ना, बोन हड्डियाँ उसकी मैट्रिक्स में पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन, OSSEIN, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है बोन की मैट्रिक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल दिए हुए और उनके खाने योग्य भाग दिए हुए, उनको मैच करना है, यहाँ पे हमने मैच कर करके लिखा है। तो अनार होता है उसका खाने योग्य भाग क्या होता है, टेस्टा। सेब का खाने योग्य भाग होता है थैलेमस। लीची का खाने योग्य भाग एरिल। और नारियल में क्या खाते हैं अपन, एंडोकार्प। तो अनार में क्या खाते हैं, टेस्टा। लीची में खाते हैं एरिल। सेब में खाते हैं थैलेमस। नारियल में खाते हैं एंडोकार्प। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रू फॉल्स बताना है। तो आपन से पूछा है कि एम्फीक्रिबल वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम जाइलम के चारों, फ्लोएम में होता है ना, वो जाइलम को कहाँ कहाँ से घेरता है, चारों ओर से घेरते रखता है। तो एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम जाइलम को चारों ओर से घेरे रखता है। तो इस ये बिल्कुल सही है कि एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल में जो फ्लोएम जाइलम को चारों ओर से घेरे रखता है। नेक्स्ट है कि रेडियल वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पे होते हैं। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पे होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पे किस पे होते हैं, कॉन्जॉइंट जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ना, कॉन्जॉइंट, उनमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पे होते हैं। जबकि रेडियल वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पे होते हैं। ओके, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं रूट में, चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट, उनकी रूट में क्या पाए जाते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि ओपन वेस्कुलर बंडल, ओपन का मतलब है कि कैम्बियम प्रेजेंट है, और जबकि क्लोज का मतलब क्या है, कैम्बियम एब्सेंट है। ओपन का मतलब क्या होता है कि कैम्बियम प्रेजेंट है, और जबकि क्लोज का मतलब है, जबकि क्लोज का मतलब क्या है कि कैम्बियम एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ों में कैलिप्टोजन का निर्माण होता है, तो कैलिप्टोजन का निर्माण कौन करता है, कैलिप्टोजन का निर्माण किससे होता है, डर्मेटोजन से। किससे होता है कैलिप्टोजन का निर्माण, डर्मेटोजन से। अब मैच करना है कि पैसिज सेल कहाँ पाई जाती है, एंडोडर्मिस में, सही है बिल्कुल। मैच करके लिखा है अपन ने यहाँ पे, पैसिज सेल एंडोडर्मिस में पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल डायाक टू है एग्जाक्ट, मतलब वेस्कुलर बंडल 2 से 6 किस में पाए जाते हैं, डाइकोट की रूट में पाई जाती है, डायाक टू है एग्जैक्ट कंडीशन। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं, लुफा सिलेंड्रिया में, किस में पाए जाते हैं, लुफा सिलेंड्रिया में। स्टेम हेयर, स्टेम हेयर मतलब जो कि तने पे, तना रोम, तने पे जो रोम पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, जबकि रूट हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। स्टेम हेयर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, जबकि रूट हेयर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। नेक्स्ट है कि स्टील, स्टील यानी कि रंब होती है, उसमें क्या क्या आता है, तो स्टील में एक आता है पिथ, पेरिसाइकल एंड वेस्कुलर बंडल। तो स्टील में क्या क्या आता है, पिथ आता है प्लस पेरिसाइकल प्लस वेस्कुलर बंडल, ये तीनों मिला करके किसका निर्माण करता है, स्टील का। तो स्टील का निर्माण कौन करता है, एक तो पिथ प्लस पेरिसाइकल प्लस वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोकोट स्टेम की विशेषता है, मोनोकोट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू होते हैं ना, जो कि वेस्कुलर बंडल होते हैं ना, वो ग्राउंड टिश्यू में क्या रहते हैं, बिखरे रहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि जो मोनोकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होता है वो किस में, व्रण ऊतक में बिखरे हुए रहते हैं, जबकि डाइकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ना वो एक रिंग के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है कि वेस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, मोनोकोट स्टेम होता है ना उसमें जो वेस्कुलर बंडल होती है, ये वेस्कुलर बंडल उसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है, बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड एंड कोलेटरल होते हैं, तो मोनोकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट क्लोज एंड डार्क एंड ओपन, तो कॉन्जॉइंट क्लोज एंड डार्क कोलेटरल, ठीक है। मोनोकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड डार्क और क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड मतलब इसमें कैम्बियम एब्सेंट होते हैं, कॉन्जॉइंट मतलब कि जाइलम और फ्लोएम दोनों की, दोनों ही एक त्रिज्या पर स्थित रहते हैं। मोनोकोट जो स्टेम में होते हैं उसमें वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट रहता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट रहता है। मोनोकोट स्टेम होता है उसमें पैरेन्काइमा क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, एब्सेंट होता है मोनोकोट स्टेम में, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलोजन की एक्टिविटी द्वारा बनने वाले कॉर्क को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फेलम, क्या कहते हैं, फेलम। फेलोजन की एक्टिविटी द्वारा बनने वाले कॉर्क को कहते हैं फेलम। नेक्स्ट है
वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम, वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? तुलसी में, ऑसिमम। वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम पाया जाता है तुलसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिक्स एवं कोरोला के बीच प्रेजेंट थैलेमस का इलॉन्गेटेड इंटरनोड कहलाता है एंथ्रोपोर। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोर। कैलिक्स और कोलोरना होता है ना, उसके बीच थैलेमस का इलॉन्गेटेड इंटरनोड क्या कहलाता है? एंथ्रोपोर कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोएडेल्फस स्टेमन पाया जाता है, मोनोएडेल्फस स्टेमन किस में पाया जाता है? हिबिस्कस। हिबिस्कस यानी गुड़हल, गुड़हल में मोनोएडेल्फस स्टेमन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइजोकार्पिक फ्रूट होते हैं, साइजोकार्पिक फ्रूट में क्या आता है? रेग्मा भी साइजोकार्पिक फ्रूट है, क्रीमोकार्प भी साइजोकार्पिक फ्रूट है, लोमेंटम, लोमेंटम होता है वो भी साइजोकार्पिक फ्रूट है, क्योंकि ब्लास्टुला साइजोकार्पिक फ्रूट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सबसे पहले किसने बताया कि सेल की उत्पत्ति पूर्ववर्ती सेल से ही होती है? सेल की उत्पत्ति पूर्ववर्ती सेल से होती है, ये सबसे पहले बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो। ओमिनस सेलुला ई सेलुला, मतलब जो नई सेल की उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? पुरानी सेल से। ये किसने बताया सबसे पहले? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से अवतरित नहीं रहता है? मतलब मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? मेम्ब्रेन रहित सेल ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम। मेम्ब्रेन रहित सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? बैक्टीरिया वो भी प्रोकैरियोट है, माइकोप्लाज्मा वो भी प्रोकैरियोट है, नॉस्टक जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी क्या है? प्रोकैरियोट है। क्लोरेला, क्लोरेला क्या होती है? ग्रीन एल्गी है, ये प्रोकैरियोट नहीं है, क्लोरेला क्या है? यूकैरियोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईआर की सबसे पहले किसने देखा? ईआर की खोज किसने की थी? ईआर की खोज की थी पॉर्टन ने। किसने की थी ईआर की खोज? ईआर की खोज की पॉर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजोसोम्स के कार्य, तो मीजोसोम्स होते हैं ना वो किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, और इसका मुख्य कार्य क्या है? श्वसन है। ठीक है, श्वसन है। इसके अलावा ये और क्या भी करते हैं? सेल वॉल का फॉर्मेशन कर सकता है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी करता है। तो मीजोसोम का मुख्य कार्य तो श्वसन है, उसके अलावा सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी करता है। ओके, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता ये तो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है कि जो जंतु कोशिका में पाया जाता है परंतु प्लांट सेल में नहीं पाया जाता? प्लांट सेल में नहीं पाया जाता बट एनिमल सेल में पाया जाता है, वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ऐसा है कि जो कि प्लांट सेल में तो एबसेंट है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग एरोबिक रेस्पायरेशन की साइट है? मतलब एरोबिक रेस्पायरेशन कहाँ पे होता है? तो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम आयन पंप होते हैं ना वो क्या किस कौन सा ट्रांसपोर्ट करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो भी पंप होते हैं वो क्या करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से संबंधित होते हैं। जो फ्लूड मोजेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकल्सन ने दिया था। फ्लूइड मोजेक मॉडल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाता है वो किसने दिया था? सिंगर और निकल्सन ने दिया था। नेक्स्ट है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर का ट्रांसपोर्ट, वाटर का मूवमेंट, तो सेमी परमिएबल जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होता हुआ वाटर का ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस, यानी कि क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि प्लांट सेल प्लाज्मोडेस्मेटा कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं ओनली इन प्लांट सेल में, दो पादप कोशिकाओं के बीच जो कोशिका द्रव्य प्रवर्ध होते हैं ना, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मिक प्रवर्ध होते हैं उसको ही क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियोसाइड बना होता है, न्यूक्लियोसाइड किस चीज़ का बना होता है? एक तो शुगर का और दूसरा नाइट्रोजन बेस का। न्यूक्लियोसाइड है ना बना होता है, न्यूक्लियोसाइड किस चीज़ का बना होता है? एक तो पेंटोज शुगर और दूसरा नाइट्रोजन बेस का बना होता है न्यूक्लियोसाइड। ओके, नेक्स्ट है कि न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ का बना होता है? न्यूक्लियोटाइड बना होता है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ का बना होता है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, इन तीनों से बनता है। और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस से पता है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या एक्स्ट्रा होता है। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह एक्स्ट्रा होता है न्यूक्लियोसाइड से। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस ये तो दोनों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसाइड हो चाहे न्यूक्लियोटाइड हो। तो जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह आगे जुड़ जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है, एस फेज में होता है। ओके, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी स्टेज में, पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर कब होता है, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज में। एडल्ट का डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3 / 2 1 2 3, क्या होता है 21 23 / 21 23, ये एडल्ट का डेंटल फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग स्थापित करता है, मतलब जो पैनक्रियास होता है, पैनक्रियास का जो अंतःस्रावी भाग होता है ना, वो कौन कौन से हार्मोन स्थापित करता है, तो वो करता है इंसुलिन ग्लूकागन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकागन हार्मोन। ठीक है, जठर ग्रंथि की कौन सी सेल एचसीएल का स्थापित करती है, तो कौन सी सेल होते हैं वो एचसीएल का स्थापन कौन सी सेल करती है, ऑक्सेंटिक सेल, कौन सी सेल करती है, ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल करती है। ठीक है, एचसीएल का स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन केंद्र स्थित होता है, तो श्वसन केंद्र या रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे स्थित होता है, मेडुला ऑब्लॉगेटा में, कहाँ स्थित होता है श्वसन केंद्र या रेस्पिरेटरी सेंटर, मेडुला ऑब्लॉगेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में जेल को कट करके सेपरेट हुए डीएनए के बैंड को बाहर निकाला जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन, क्या कहा जाता है एल्यूशन, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं ना, तो उसमें ना जेल को काट देते हैं, जो डीएनए का जो बैंड होता है ना उसको जेल से अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है एल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन प्लांट के किस भाग से कॉटन फाइबर प्राप्त होते हैं, मतलब जो रुई होती है ना वो किस भाग से प्राप्त होती है, तो वो सीड से प्राप्त होती है, जो रुई होती है वो कॉटन के कौन से भाग से प्राप्त होती है, सीड से, बीजों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोसा जूट प्राप्त होती है, टोसा जूट किससे प्राप्त होती है, कॉर्कस ऑलिटोरिस से, टोसा जूट जूट होती है ना वो कौन से प्लांट से प्राप्त होती है, कॉर्कस ऑलिटोरिस, कौन सा प्लांट है, कॉर्कस ऑलिटोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के तेल में तीखापन होता है ना, अपन सरसों का जब तेल होता है उसको सूंघते हैं तो एक तीखेपन से खुशबू आती है, वो तीखापन किस चीज़ के कारण होता है, तो वो होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण, सरसों के तेल में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है, एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण। मूंगफली का बोटनिकल नाम है एरिकस साइपोजिया, मूंगफली का बोटनिकल नाम एरिकस साइपोजिया। नेक्स्ट है कि टोसा जूट प्राप्त होती है, टोसा जूट किससे प्राप्त होता है, कॉर्कस ओलिटोरिस, कॉर्कस ओलिटोरिस नाम का एक प्लांट होता है उससे क्या प्राप्त होती है, टोसा जूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों के जो तेल होता है ना उसमें जो तीखापन होता है ना वो तीखापन किसके कारण होता है, वो तीखापन होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण, किसके कारण होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट, उसके कारण सरसों के तेल में तीखापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली का बोटेनिकल नेम, तो मूंगफली का बोटेनिकल नाम क्या होता है, एरिकस साइपोजिया, क्या होता है एरिकस साइपोजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसालों की भूमि कौन सा देश है, तो कौन सा देश ऐसा है जिसको मसालों की भूमि कहा जाता है, वो देश है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड स्पाइस है, मतलब ऐसे मसाले जो कि किससे प्राप्त होते हैं, बीजों से प्राप्त होते हैं, मतलब बीजों से प्राप्त होने वाले स्पाइस वो कौन से हैं, वो है सौंफ भी बीज से प्राप्त होता है, धनिया वो भी किससे प्राप्त होता है, बीज से, जीरा भी किससे प्राप्त होता है, बीज से, लेकिन जो लौंग होता है ना वो लौंग वो बीज से प्राप्त नहीं होता है, लौंग किससे प्राप्त होता है, पुष्पकली का, लौंग में खाने वाला भाग क्या होता है, पुष्पकली का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय के पौधे में शीर्ष कलिका होती है ना, जो टर्मिनल बड, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गोल्डन बड। चाय के पौधे में जो शीर्ष कलिका वो क्या कहते हैं? गोल्डन बड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन बड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलेंटोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, अपन को पता है जो कि है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स, अपन को पता है कि जो एंडो न्यूक्लियस एंजाइम होता है ना, एंडो न्यूक्लियस एंजाइम का कार्य क्या होता है? डीएनए को कट करता है, और डीएनए को कट कहाँ से करता है? पैलेंटोमिक सीक्वेंस से करता है। पैलेंटोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि उल्टा सीधा एक समान, जैसे इसमें है ना जी ए ए टी टी सी, ये इस क्या है? पैलेंटोमिक सीक्वेंस है। तो सी इसमें सी है, सी का उल्टा क्या होता है सामने जी, टी टी का कॉम्प्लीमेंट्री है ए, वापस टी का ए, ए का है टी, ए का है टी, जी का है सी। तो इधर से देखा तो जी ए ए टी टी सी, इधर से भी देखा तो जी ए ए टी टी सी। ओके, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जी ए ए टी टी सी। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन की खोज की किसने की थी? पीसीआर, पीसीआर की खोज है ना किसने की थी? पीसीआर की खोज की थी कैरी मुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ट्रांसजेनिक गाय, ट्रांसजेनिक गाय अपन को पता है कि कौन है? रोजी है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसजेनिक गाय कौन है? ट्रांसजेनिक गाय है रोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति रहित कोशिका मतलब सेल में से सेल वॉल को हटा दे तो क्या कहलाएगा? वो बचा हुआ भाग प्रोटोप्लास्ट। क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट में से भी अगर अपन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूट टिप कल्चर टेक्निक विकसित की थी? सूट टिप जो मतलब प्ररोसिस का जो कल्चर करने की टेक्निक है ना, वो किसने विकसित की थी? मॉरेल एंड मार्टिन ने। किसने विकसित की थी? मॉरेल एंड मार्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेड ऑर्गेनिज्म से चालू होने वाली फूड चेन को क्या कहते हैं? डेट्राइटस फूड चेन। क्या कहते हैं? ऐसी फूड चेन जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से चालू होती है उनको कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। क्या कहते हैं? डेट्राइटस फूड चेन। ओके, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? इकोसिस्टम शब्द दिया था टेंसले ने। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? इकोसिस्टम शब्द दिया था टेंसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड को हेड से फुट ऑर्डर में जमाओ, मतलब हेड सबसे ऊपर कौन सी होती है, फिर नीचे नीचे ऐसे कौन सी? तो हेड से फुट के ऑर्डर में जमाओ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ऊपर होती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल से नीचे होती है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से नीचे थाइमस, थाइमस के बाद पैनक्रियास, पैनक्रियास के नीचे एड्रिनल। ये है आपने जमाया है हेड से फुट की तरफ। पी ए एन है, पी ए एन एक प्रकार का क्या होता है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? जो कि दो प्राइमरी प्रदूषकों की क्रिया से बनते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो पी ए एन का पूरा नाम क्या है? परऑक्सी एसीटल नाइट्रेट। क्या है? परऑक्सी एसीटल नाइट्रेट, पी ए एन। पी ए एन क्या है? एक प्रकार का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ओबेलियन मेडूसा है, ओबेलियन मेडूसा, मेडूसा क्या एक प्रकार का कार्निवोरस जीव होता है। ओबेलियन मेडूसा क्या होता है? कार्निवोरस जीव। मतलब पॉलीप और मेडूसा दो स्टेज होती है ना सिलेंट्रेटा में, उसमें ये मेडूसा की बात कर रहा है। और जीव कौन सा है? ओबेलिया। कौन सा जीव है? ओबेलिया, एक प्रकार का क्या है? कार्निवोरस जीव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2015 एग्जाम है, उसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसका पार्ट सेकंड, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।